हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अलियम केमिस्ट्री चैनल। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टूल की। आज का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टूल है वो है सेज्जेफ्रूल। ये सेज्जेफ्रूल क्या होता है, सबसे पहले हम बताते हैं। 1875 जो साइंटिस्ट का नाम पहले आप समझिएगा, क्योंकि इसके नाम में ही काफ़ी कुछ पॉइंट्स निकलते हैं। जेट्सिव, ठीक है, जेट्सिव कहते हैं और हम इसे सेज्जेफ्रूल कहते हैं। तो ये क्या चीज़ है, मतलब क्या ये दोनों चीज़ें सेम है? कभी कभी आपने सुना होगा इसे जेड रूल के नाम से भी। तो पहले मैं आपको बताती हूँ, अलेक्जेंडर एम जेट्सेव, 1875, द एल्कीन इज फॉर्म इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट इज वन ऑफ दैट कॉरस्पॉन्ड बाय द रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम द बीटा कार्बन हैविंग द फ्यूएस्ट हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट। जो साइंटिस्ट अलेक्जेंडर ने बताया कि आपके पास अगर कहीं पर भी एक हेलाइट्स है, आपके पास एक एल्काइल हेलाइट्स है या हेलो अरीन्स है, एनीथिंग चल, हेलाइट ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है, आप वहां पर क्या करा सकते हो, डी हाइड्रो हलोजिनेशन करा सकते हो। डी हाइड्रो हलोजिनेशन, वेल आप सभी को पता है कि डी हाइड्रो हलोजिनेशन में अगर हम बताते हैं डी का मतलब क्या होता है, रिमूव, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिमूवल, और हलोजन का मतलब है यहां पर कोई भी हलाइड ग्रुप आपका बैठा होगा उसे रिमूवल। यानी कि 1875 जो अलेक्जेंडर है, अलेक्जेंडर ने बताया कि सबसे पहले इन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर आप किसी रिएक्शन के अंदर आपको हलोजन मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, उनका रिमूवल कर सकते हो, और रिमूवल करने के बाद आपके पास जो प्रोडक्ट में बनेगा वो एल्कीन बन सकता है। नाउ सी दैट इन इक्वेशन, इन्होंने यहाँ पर बताया कि आपके पास तीन टाइप के हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे। वेल, आप सबसे पहले देखिए कि ब्रोमीन, ब्रोमीन इस कार्बन के साथ लगा हुआ है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका ब्रोमीन इस कार्बन से लगा है। जिस कार्बन से आपका ब्रोमीन अटैच होगा उसे हम कहेंगे अल्फा कार्बन। नेक्स्ट कार्बन जो होगा उसे हम कहेंगे बीटा कार्बन, और ये भी नेक्स्ट है तो बीटा कार्बन, ये भी नेक्स्ट है तो बीटा कार्बन। यानी कि मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर रिमूवल जो करना है, अब मुझे समझ आया कि जो हलोजन का रिमूवल होगा वो अल्फा से होगा और जो हाइड्रोजन का रिमूवल होगा वो बीटा से होगा। इसीलिए इसे बीटा एलिमिनेशन रूल भी आप इसे समझ सकते हैं। यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन रूल किस तरह से वैल्यूएबल होगा, तो अभी मेरे पास तीन टाइप के यहाँ पर, ये तो गारंटी है कि ब्रोमीन यहाँ से जाएगा। नाउ द पॉइंट इज दैट कि इस बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन रिमूव करें, या यहां पर देखें तो इस कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। वेल, यहां पर आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा भी है कि ये बीटा कार्बन विद अ टू हाइड्रोजन, ये वाला बीटा कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, इस वाले बीटा के पास एक हाइड्रोजन है और इस वाले बीटा के पास तीन। जो रूल बताता है, सेज्जेफ रूल कहता है कि आप वहां से अपने हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, द रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम द बीटा कार्बन हैविंग द फ्यूएस्ट हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट, जहां पर लेस नंबर ऑफ क्या होंगे, जहां पर आपके लेस नंबर ऑफ क्या होंगे, हाइड्रोजन एटम। सिंपल भाषा में सेज्जेफ रूल क्या है, जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे वहां से आप क्या करेंगे, अपने जो हाइड्रोजन का रिमूवल करेंगे। तो वेल, मैं जैसे यहां से अपने हाइड्रोजन का रिमूव करती हूँ और यहां से ब्रोमीन का रिमूव करती हूँ, तो मेरे पास बीच में क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और यही मेरा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ये बात किसने कही थी, सेज्जेफ रूल ने। अब पॉइंट आता है कि इसे सेज्जेफ रूल कहते हैं, कहीं पर सेज्जेव रूल कहते हैं, कहीं पर जेट्सव रूल कहते हैं, ऐसा क्यों? एक्चुअल में जो अलेक्जेंडर जेट्सव है, इनका स्पेलिंग की वजह से ट्रांसलेटेड किया गया है फ्रॉम द रशियन लैंग्वेज, तो हमारे लिए ये सब कुछ एक ही है, जेट्सव रूल, सेडजेफ रूल, सेट्सव रूल, या फिर आप कह सकते हो उसे जेट रूल, ये सब एक ही है। और इन सबका एक ही मानना है कि आप यहाँ पर क्या कराते हो, डी हलोजिनेशन कराते हो, आप दोनों हलोजन को भी रिमूव करोगे, आपकी वो वाली एल्कीन आपको ज़्यादा स्टेबल करनी है जहाँ पर डबल बोंड क्या होंगे, सब्स्टिट्यूटेड होंगे, जहाँ पर क्या होंगे, डबल बोंड सब्स्टिट्यूटेड होंगे, या फिर मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो मैंने क्या कहा, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आपको विजिबल हुआ, जहां भी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हुआ वहां से आप क्या करेंगे, रिमूवल करेंगे। तो आइए जरा इसको एक बार और देख लेते हैं। ये सेडजेफ रूल, जो सेडजेफ रूल है वो आपका एलिमिनेशन की तरफ इंडिकेशन करता है। सेडजेफ रूल आपका क्या है, एक एलिमिनेशन है, नॉट ए एडिशन। तो पता होना चाहिए, कभी कभी एग्जामिनर कह देता है कि आप यहाँ पे एलिमिनेशन करें, तो एलिमिनेशन के लिए आपके पास क्या है, ये ब्रोमीन है, अगर ये ब्रोमीन है तो ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, ये भी बीटा पोजीशन है, इवन ये भी बीटा पोजीशन है।
नाउ द पॉइंट इज दैट आपको क्या करना है, आपको रिमूवल करना है यहाँ से. आपको क्या करना है, हाइड्रोजन यहाँ से क्या करना है, रिमूवल करना है. तो आप हाइड्रोजन कहाँ से रिमूवल करेंगे, इस वाले बीटा हाइड्रोजन से रिमूवल होगा, इस बीटा हाइड्रोजन से रिमूवल होगा, या इस वाले बीटा से हाइड्रोजन रिमूवल होगा. तो मान लेते हैं कि आपने पहले इस वाले बीटा से हाइड्रोजन रिमूवल किया, तो आपके पास ये वाला बनेगा. अगर आप यहाँ से करोगे तो आपके पास ये वाला बनेगा. मेरे पास मेरा जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या होगा, जो कि हाईली सब्स्टिट्यूटेड है, या मैं कहूँ कि जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है. अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कहाँ पर है, वेल इसके पास 1, 2, 3 तीन हाइड्रोजन एटम है. इसके पास कितने हाइड्रोजन एटम है, 1, 2, 3, और इसके पास कितने हैं, सिर्फ n 1, 2, n 2, इसके पास दो. तो यहाँ वाला जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट होगा. सिमिलरली यहाँ से भी मुझे यहाँ पर देखा जाए तो तीन हाइड्रोजन एटम थे, ठीक है, और अगर मैं यहाँ देखूँ तो 1, 2 दो हाइड्रोजन एटम है. तो कहाँ से रिमूवल होगा, यहाँ से रिमूवल करेंगे, यहाँ से. तो ऑब्वियसली जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है वो आपका क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा. सेटजेफ रूल की कहानी में हमें समझ आता है, अगर आपको इफ मोर देन वन एलिमिनेशन प्रोडक्ट इज पॉसिबल. सेटजेफ रूल आपका एप्लीकेबल कहाँ होता है, जहां पर भी आपको एलिमिनेशन करना है. एलिमिनेशन में आप किसका एलिमिनेशन करेंगे, आप अपने हलोजन ग्रुप का एलिमिनेशन करेंगे, साथ ही साथ जो आप अपना एलिमिनेशन करेंगे वो अपने हाइड्रोजन का करेंगे, कभी कभी आप दोनों हलोजन का भी करेंगे. पर कहाँ से करेंगे, जहां पर आपकी मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी, या फिर इन शॉर्ट में लिख सकते हो कि जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे वहीं से आपको दोनों का रिमूवल करना है. जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, इस वाले केस में एक हाइड्रोजन एटम है, इस केस में दो हाइड्रोजन एटम है, और इस केस में तीन हाइड्रोजन एटम है. तो सबसे बढ़िया स्टेबल प्रोडक्ट टेट्रा, देन ट्राई, देन डाई, एंड देन मोनो. अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसके अंदर मेरे पास एक यहां पर बन रखा है और एक मेरे पास यहां पर बन रखा है. अगर मैं यहां से बनाऊं तो मेरे को क्या मिल रहा है, एक ही हाइड्रोजन मिल रहा है. बट अगर मैं यहां से बनाऊंगी तो मुझे तीन हाइड्रोजन मिल रहे थे, इस वजह से ये वाला जो प्रोडक्ट होगा ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा. तो आई होप सो कि आपको सेटजेफ रूल समझ आ गया. सेटजेफ रूल में सबसे पहली बात वो एलिमिनेशन के लिए एप्लीकेबल होता है, दूसरी बात उसमें बीटा से आपको हाइड्रोजन का रिमूवल करना है, इसे बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन भी कहा जाता है. और आपको मैं क्वेश्चन दे देती हूँ घर से करने के लिए, यानी कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताएंगे. द कंपाउंड शोन इन द 1, 2, 4 बिलो आर द पॉसिबल प्रोडक्ट इन एन एलिमिनेशन रिएक्शन, विच कंपाउंड अकॉर्डिंग टू द सेटजेफ रूल विल बी द मेजर प्रोडक्ट. आपको बताना है ये कौन, इसमें से जैसे आपके पास ये कंपाउंड है 1, 2, 4, ठीक है, ये आपके कुछ पॉसिबल प्रोडक्ट है. अब मैंने सीधा प्रोडक्ट बना दिया, ये सीधे क्या बने, प्रोडक्ट बना रखे हैं. इनमें से बताओ कि सेटजेफ रूल लगाकर कौन सा प्रोडक्ट आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है. तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा. और ऑर्गेनिक टूल के लिए आप अलियम केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो, लाइक करें, शेयर करें. थैंक्स.